एक दिन गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों से कहा कि मेरे संग यात्रा पे चलोगे। सभी भक्त खुशी से बोले, जी गुरु जी, क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे हम आपके संग। हाँ हाँ, हम आपके संग चलेंगे। थोड़ी देर चलने के पश्चात बादल गरजने लगे। कुछ भक्त यह सोचकर वापस चले गए कि भारी वर्षा होने वाली है, बाकी बचे हुए भक्त गुरु जी के पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी देर पश्चात संगत ने देखा कि रास्ते में तांबे के सिक्के पड़े हैं। उन्होंने सोचा, भाइयों, ये तो गुरु जी का प्रसाद है, उठाओ और चलो अपने घर। कुछ भक्त तांबे के सिक्के लेकर वापस चले गए और बाकी गुरु जी के पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी देर पश्चात रास्ते में चांदी के सिक्के पड़े थे। संगत के लोगों ने सोचा, वाह भाइयों वाह, चांदी के सिक्के वापिस लेकर घर चलते हैं, गुरुजी ने ये तो फल दिया है, फल। ऐसा सोच कुछ भक्त सिक्के लेकर वापस चले गए। अब सिर्फ दो व्यक्ति थे जो गुरुजी का अनुसरण कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात शाम होने लगी। सुनसान जगह में अजीब सी आवाजें आ रही थी। गुरुजी ने कहा, ठहरो। वहीं पर एक शव कफन से ढका हुआ था। बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। गुरुजी बोले, इस प्रसाद को चख लो। एक व्यक्ति नाक सिकोड़कर पीछे हो गया, परंतु दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ा और शव को गौर से देखने लगा। गुरुजी ने बोला, क्या देख रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं सोच रहा हूँ प्रसाद कहाँ से चखूं। परंतु जैसे ही उसने कफन हटाया, शव गुरुजी के प्रसाद में बदल गया। बदबू की जगह प्रसाद की महक आने लगी। और आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन थे? वह भाई लहना थे, जो आगे चलकर सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद बने। गुरु नानक देव जी ने जहाँ जहाँ पर अपने चरण कमल रखे, वहाँ पर यही ज्ञान दिया कि परमात्मा एक है और वह सभी दिशाओं में वास करते हैं। हरिद्वार, जो कि भारत में है, वहाँ दूर दूर से लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करने गंगा किनारे आते हैं। एक दिन गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार पहुँचे। वहीं पर एक व्यापारी अपने किसी प्रिय की मोक्ष प्राप्ति के लिए पंडित जी से पूजा अर्चना करवा रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। यजमान पानी यहाँ पर डालिए। पानी डालते डालते यजमान सोचने लगे, दिल्ली में व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा करवाते करवाते दूसरी ओर पंडित जी भी सोच रहे थे, हे ईश्वर, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। तभी दोनों ने देखा, गुरु नानक देव जी सूर्य के विपरीत दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। पंडित जी को यह देखकर क्रोध आ गया और वह बोले, ठहरो, तुम्हें यह नहीं पता कि सूर्य की ओर पूजा क्यों की जाती है? गुरु जी नम्रता से बोले, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। सूर्य की ओर मुंह करके जल देने से ही हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। गुरुजी ने पंडित जी से पूछा, तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते हैं? रहते होंगे कहीं हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं वो तो। गुरुजी तुरंत जोर जोर से पानी उसी तरफ डालने लगे जहाँ वे पानी पहले डाल रहे थे। अरे ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया, अब ये क्या पाखंड कर रहे हो? गुरुजी बोले, मैं अपने खेत जो पंजाब में है उन्हें पानी दे रहा हूँ। यह देखकर दोनों हंसने लगे और यजमान बोले, अरे जब तुम्हारे खेत पंजाब में है तो पानी वहाँ कहाँ से चला जाएगा? गुरुजी बोले, क्यों नहीं, जब तुम्हारे पूर्वज जो तुमसे हजारों किलोमीटर दूर है उन्हें पानी जा सकता है, तो मेरे खेत तो कुछ 100 किलोमीटर दूर ही है, वहाँ तो आराम से चला जाएगा। पंडित जी और यजमान दोनों गहरी सोच में पड़ गए। गुरु जी बोले, यजमान, जब तुम अपनी पूजा करवा रहे थे तो क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे ना कि दिल्ली में जो तुम्हारे व्यापार में घाटा है वो कैसे कम हो। और पंडित जी तुम क्या सोच रहे थे?
तुम भी यही सोच रहे थे ना कि आज ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिले। यह देखकर पंडित जी और यजमान हैरान हो गए और गुरु जी के सामने नतमस्तक हो गए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जनेऊ प्रथा उच्च वर्ण के लोगों में अत्यंत आवश्यक समझी जाती है। गुरु नानक देव जी बचपन से ही ऊंच नीच व धर्म के आधार पर किए गए भेदभाव को नहीं मानते थे। उनकी यह बात को देखकर उनके पिता कालू मेहता बहुत परेशान थे, क्योंकि वह एक उच्च वर्ण से संबंध रखते थे। उन्होंने अपने पुत्र के वर्तमान, भविष्य और आने वाली योनियों को शुद्ध करने के लिए उनकी 9 साल की आयु में जनेऊ प्रथा का आयोजन करवाने का सोचा। आयोजन से पहले गुरुजी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी हम जनेऊ क्यों पहनते हैं? पुत्र मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बस मैं यह जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे जनेऊ तुम्हारी उम्र में धारण करवाया था और उन्होंने कहा था इससे मैं पवित्र हो जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। गुरुजी ने पिताजी से पूछा, मेरी जनेऊ प्रथा कौन संपन्न करवाएंगे? महाज्ञानी पंडित हरदयाल तुम्हारी जनेऊ प्रथा को संपन्न करवाएंगे। गुरुजी ने कहा, तो मैं उनसे ही पूछूंगा कि हमारा जनेऊ धारण करना क्यों आवश्यक है। यह बात पूरे गांव में फैल गई और प्रथा के दिन बहुत से लोग पंडित हरदयाल और बाल गुरुजी के बीच का संवाद सुनने और देखने को पहुँचे। गुरुजी ने पंडित हरदयाल से पूछा, पंडित जी जनेऊ क्या होता है? पंडित जी ने कहा, जनेऊ एक पवित्र धागा है और इसे पहनने की प्रथा को यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत शब्द के दो अर्थ हैं। प्रथम, उपनयन संस्कार में जनेऊ पहना जाता है और विधारम्भ होता है। मुंडन और पवित्र जल से स्नान भी इसी संस्कार का अंग होता है। द्वितीय, सूत से ना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं बाजू के नीचे पहनता है। कृपया सभी ध्यान से सुने, यह प्रथा हिंदू धर्म में अत्यंत आवश्यक समझी जाती है, परंतु यह प्रथा सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही है। जनेऊ धारण करने के पश्चात यह व्यक्ति का दूसरा धर्म है। जनेऊ को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग ही धारण कर सकते हैं। यह धागा मामूली नहीं है, इसे धारण किए बिना एक ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण, एक क्षत्रिय सच्चा क्षत्रिय और एक वैश्य सच्चा वैश्य नहीं हो सकता। इसे पहनकर ही आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और वेदों को पढ़ सकते हैं। इसे पहनकर ही एक ब्राह्मण को यह शक्ति आती है जिससे वह किसी को श्राप या आशीर्वाद दे सकता है। श्राप का नाम सुनकर कालू मेहता भी घबरा गए, परंतु गुरुजी के चेहरे पर तेज भरता गया। पंडित हरदयाल बोले, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है? अगर मिल गया है तो हम प्रथा को शुरू करें। गुरुजी ने पूछा, इसे महिलाएं क्यों नहीं धारण करती? यह सच नहीं है, तुम्हें नहीं पता, परंतु विवाह के उपरांत पुरुष को उसकी धर्म पत्नी के नाम का भी जनेऊ दिया जाता है। यह सब हमारे धर्म और ग्रंथों में लिखा हुआ है। पति पत्नी के लिए भगवान के स्वरूप होता है। गुरुजी ने कहा, पंडित जी यह सही नहीं है। अगर स्त्री शादी होने से पहले अविवाहित ही मर जाए तो क्या होगा? हमें अपने पवित्र ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने चाहिए, और इस पवित्र समय पर तुमने मृत्यु का नाम लेकर सारा वातावरण भ्रष्ट कर दिया है। अब मुझे मंत्रों का उच्चारण कर इस वातावरण को शुद्ध करना पड़ेगा। पंडित जी मृत्यु तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, क्या जनेऊ पहनने से मृत्यु नहीं आएगी? यह सब बातें सुनकर पंडित जी भी विचलित हो गए और बोले, अब जल्दी से प्रथा शुरू करते हैं, अभी तो तुम्हारे मुंडन की प्रथा भी शुरू होनी है। गुरुजी ने फिर से पूछा, मुंडन प्रथा क्या होती है? मुंडन प्रथा में तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे और बस चोटी को रखा जाएगा। सिर्फ चोटी को क्यों पंडित जी? चोटी से तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और ईश्वर तक पहुंचने में तुम्हें सहायता मिलेगी। गुरुजी बोले, फिर तो पंडित जी मेरा एक भी बाल मत काटे, क्योंकि जब छोटी सी चोटी मेरा दिमाग तेज रखेगी तो सोचो सारे बाल मेरा दिमाग कितना तेज कर देंगे। इन सभी बातों का पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। गुरुजी बोले, ईश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को किसी पवित्र धागे या मुंडन की जरूरत नहीं है। अपने अच्छे कर्म और मनुष्य सेवा से आप ईश्वर को पा सकते हैं। अपराध कर अगर आप किसी मंदिर मस्जिद में जाएंगे और वापस आकर फिर अपराध करेंगे तो हमें ईश्वर कभी नहीं मिल सकते।
गुरुजी बोले, जिन प्रथाओं का कोई आधार नहीं होता वह निराधार होती हैं और ऐसी प्रथाओं को करना आवश्यक नहीं है। और यह कहकर गुरुजी ने जनेऊ धारण करने से मना कर दिया। गुरु नानक देव के दो चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। एक दिन मर्दाना ने गुरुजी से कहा, मैं मक्का जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुसलमान सच्चा मुसलमान जब तक नहीं कहलाता जब तक वह मक्का ना जाए। यह बात सुनकर गुरुजी उन्हें मक्का लेकर गए। मक्का पहुंचते पहुंचते गुरुजी बहुत थक गए थे और वहां हाजियों के लिए बनी एक आरामगाह में मक्का की तरफ पांव करकर आराम करने लगे। आरामगाह में हाजियों की सेवा करने वाला खादिम, जिसका नाम जियोन था, यह देखकर बहुत गुस्सा हुआ। वह गुरुजी से बोला, वल्ला तुम कैसा आदमी है, तुम्हारे को दिखता नहीं है वहाँ पर मदीना है और तुम वहाँ पर पांव करके लेती है। गुरुजी बोले, गुस्सा मत करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम चाहिए। मैं भी तुम्हारी तरह खुदा को मानता हूँ, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे नहीं पता खुदा का घर कहाँ है, पर तुम्हें तो पता है, तो तुम्हें मेरे पांव उस तरफ कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। परंतु जैसे ही वह गुरुजी का पांव दूसरी ओर फेरता है, मक्का भी उसी ओर चला जाता है। यह देखकर जियोन को समझ आ जाता है कि यह शख्स कोई आम आदमी नहीं है, खुदा का बंदा है। वल्ला तुम तो खुदा का बन गए, हमको माफ कर दो। गुरुजी उससे कहते हैं, ऐ खुदा के बंदे, खुदा दिशाओं में वास नहीं करते, वो तो दिलों में राज करते हैं। अच्छे कर्म करो और खुदा को दिलों में रखो, यही खुदा का सच्चा सदका है।